आयशा सिंह और नील भट्ट के रिश्ते को लेकर, उनकी दोस्ती को लेकर, उनके बीच की बॉन्डिंग और इक्वेशन को लेकर अब आयशा सिंह के सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड और उन्हीं के गुम के को एक्टर योगेंद्र का बड़ा बयान आया है सामने। देखिए, योगेंद्र आयशा सिंह के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, ये बात आयशा भी हर इंटरव्यू में कहती हैं। और इनफैक्ट दोनों की मस्ती जो है वो बाद में भी, अभी हाल ही में भी देखने को हमें मिली, जब दोनों साथ में गए, देखिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, इंजॉय करने के लिए। देखिए, योगेंद्र आयशा के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं। अब उन्होंने आयशा सिंह और नील भट्ट के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, साथ ही दोनों को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आखिर क्या कुछ कहा है योगेंद्र ने, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आयशा सिंह और नील भट्ट के इक्वेशन देखिए अब बहुत बदल चुकी है। जब ये लोग काम कर रहे थे गुम के सेट पर, तब दोनों के बीच में इक्वेशन अच्छी थी, तब दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ज़्यादातर सीन्स ये दोनों साथ ही में करते थे। लेकिन जब से गुम खत्म हुआ है, जब से गुम से दोनों ने एग्जिट लिया है, तब से नील भट्ट और आयशा सिंह की एक दोस्ती कह लीजिए या फिर एक रिश्ते पर कह लीजिए, थोड़ी सी दरार आ गई है। हालांकि दोनों सोशल मीडिया पर अब भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की पिक्चर्स, पोस्ट, स्टोरीज़ को लाइक नहीं करते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकती है नील भट्ट की वाइफ ऐश्वर्या शर्मा। डेफिनेटली ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं, और ये बात तो अब जग जाहिर है। देखिए, स्पेशली जब उन्होंने ही, मतलब स्पेशली जब दोनों ने एक दूसरे पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा इंटरव्यूज़ में, इसके अलावा जो इवन किशोरी जी हैं, जो को एक्टर हैं दोनों की, दोनों ने ऐश्वर्या और आयशा को लेकर भी बड़ा बयान दिया था कि दोनों की अगर आपस में नहीं बनती है तो आई थिंक हमें छोड़ देना चाहिए उन्हीं पर। और क्योंकि उनके इस बयान के बाद, उनके इस इंटरव्यू के बाद बहुत कुछ साफ हो गया था कि दोनों के बीच में अब कुछ भी ठीक नहीं है। दोनों सेट पर बस आकर अपना शूट कर लिया करते थे और इसके अलावा दोनों के बीच में कुछ नहीं होता था। तो देखिए, शायद ऐश्वर्या शर्मा की वजह से अब नील और आयशा के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं पहले से। हावेवर, इनके फैन, जो सईराज के फैंस हैं, वो तो चाहते हैं कि दोनों साथ में आएं, दोनों साथ में एक और नया शो करें, क्योंकि जो फैंस हैं ना, वो देखना चाहते हैं नील और आयशा को साथ साथ। लेकिन अब दोनों के बीच के क्वेश्चन चेंज है, और अब योगेंद्र का इस पर बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। देखिए, योगेंद्र ने कहा है कि आयशा, जहाँ तक आयशा की बात है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हैं। वो मतलब एक बार अगर आपको दोस्त मान लेती हैं तो फिर वो ज़िंदगी भर निभाने वाली, दोस्ती निभाने वाली एक लड़की हैं, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं अपने हावेवर रिलेशनशिप्स में। बहुत ही फ़न एलिमेंट्स आयशा डालती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ़न लविंग नेचर की लड़की हैं, बहुत ज़्यादा फ़न करना पसंद करती हैं, अपने क्लोज वंस के लिए स्टैंड लेना पसंद करती हैं। तो देखिए, उन्होंने आयशा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की योगेंद्र ने। इसके साथ ही उन्होंने नील भट्ट को लेकर कहा कि नील भी बहुत प्रोफेशनल एक्टर हैं, नील बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए कलाकार हैं, वो उनको पता है कि उनको भी कैसे पेश आना है, कितने पोलाइटली या कितने हम्बलनेस के साथ उन्हें बात करनी है लोगों के साथ। उन्होंने कहा वो बहुत हम्बल हैं, बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं, और बहुत ही खुश मिजाज किस्म के लड़के हैं। लेकिन आयशा और नील के बीच कि जो चीज़ें हैं वो उन्हीं पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ज़्यादा बेहतर जानते हैं एक दूसरे के बारे में भी और ख़ुद के बारे में भी, कि वो क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों अगर आपस में नहीं बन रही है या दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं तो ठीक है, हमें छोड़ देना चाहिए उन्हीं के ऊपर, और ये उन लोगों की मर्ज़ी है कि किसको किससे उनको कैसी बॉन्डिंग रखनी है या फिर कैसी इक्वेशन रखनी है। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा सही लगते हैं। बहरहाल, अब इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।